press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से रविवार को प्रदेश के 2253 परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट का आयोजन किया गया। परीक्षा में नकल रोकने के लिए कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रखी गई थी। वहीं अलवर जिले के बहरोड़ में एक मुन्ना भाई को ब्लूटूथ से नकल करते हुए दबोचा गया है। रीट में कुल 9,79,768 की बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने आवेदन भरे थे। द्वितीय स्तर यानी कक्षा 6 से 8 की परीक्षा में करीब 8,00,000 अभ्यर्थी थे, जबकि बाकी अभ्यर्थी प्रथम और दोनों स्तर की परीक्षा में शामिल हुए। पहले स्तर में 1 से 5 तक की कक्षाएं आती हैं। यह परीक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 12:30 और दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक चली। वहीं परीक्षा समय में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। उधर बहरोड़ में पीजी महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर रीट की परीक्षा देने आए एक युवक को पुलिस प्रशासन ने ब्लूटूथ से नकल करते हुए पकड़ा है। आला अधिकारियों ने कॉलेज में पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया। इस युवक के अंडर गारमेंट में डिवाइस और कान के अंदर ब्लूटूथ पाई गई। युवक के कान से ब्लूटूथ निकालने के लिए चिकित्सक टीम बुलाई गई। परीक्षा देते समय इस मुन्ना भाई की हरकतें संदिग्ध लगी और जांच में सामने आया कि वह आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर अपने बाहरी सहयोगी से मदद ले रहा था। प्रशासन अभी पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है कि युवक के साथ कौन कौन शामिल है और परीक्षा केंद्र के बाहर युवक को नकल कौन करवा रहा था। रुग्णाथ नामक इस युवक को पुलिस थाने ले गई और कड़ी पूछताछ की। बहरोड पीजी कॉलेज अलवर रोड पर एक लड़के को रुग्णाथ कृष्णा जी को पता है, जो सांसौर का रहने वाला है। उसके कान में कोई ब्लूटूथ डिवाइस फंसा हुआ है। इसके लिए श्रीमान एसडीएम साहब ने डॉक्टर्स की टीम बनाई है। वो उसको निकालेंगे, ऑपरेशन करना भी पड़ सकता है। और इसके पास मोबाइल मिला है। अभी परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने रिपोर्ट अभी दे रहे हैं, मतलब उसके बाद में पता लगाएंगे किससे बात कर रहा था, कहाँ किस गिरोह से। वहीं परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर रीट का पेपर वायरल होने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस अफसर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की। डी कैटेगरी का पेपर वायरल होने की सूचना सोशल मीडिया पर चल रही है। उधर अलवर में कुल 76,439 परीक्षार्थी रीट के लिए पंजीकृत थे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले मोबाइल ही नहीं बल्कि घड़ी, महिला अभ्यर्थियों के कान के टॉप्स और चैन आदि भी अंदर नहीं ले जाने दिए गए। एहतियात के तौर पर परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए, जिससे मोबाइल पर बातचीत न हो सके। उधर परीक्षा की वजह से शहर में हजारों बेरोजगारों की आवाजाही बनी रही। इसके चलते सड़कों पर जाम की स्थिति भी नजर आई।